तो फ्रेंड्स और दीदी शुभ लोग आप सबका स्वागत है। अभी शाम के 5:30 हो रखे हैं और डिफरेंस का सामान मैंने भेजा था बनवाने के लिए, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या चीज़ बनवाया और क्या चीज़ मतलब कितना पैसा लगा, सारा कुछ दिखाता हूँ। और ये देखें, पहले किरिन देखें, ये डूबने के कगार पे भाई। और ये रहा वो सामान जो मैंने भेजा था मकरदे पे बनवाने के लिए। अभी देख रहे हैं ना, ऐसे ही पता लग रहा है कि ये बना हुआ है क्योंकि ये चमक रहा है अच्छे से। और जो पुराना वाला होता है ना, वो इस तरीके से काला, देखिए बीच में ना कुछ नहीं काम हुआ ना, तो ये काला दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से चमक रहा है, तो ये काम भी इधर होता है भाई। ये सब ना मजरों का डिफरेंस का ये डिफरेंस जो चक्का लगता है ना, मजरों में घूम घूम के चलता है रसास में, उसी में ये लगता है। तो ये मेरे को बोल रहा था बनाने के लिए, तो मैं बोला मुश्किल नहीं है, अगर सामान ले आता है तो मैं बना देगा। तो सामान भी ला कर दिया था ना 1700-1800 रियाल का, और फिर ये भी बना के ला के दिया, फिर सोफा वोफा वगैरह भी खरीद के ला के दिया। अभी ये बनवा के लाया ना, तो फिर पता क्या बोल रहा है, पहले अच्छे से दिखाता हूँ फिर बताता हूँ क्या बोल रहा था। ये देखे पहले कितना बेहतरीन बनाया ना, और ये बहुत है, ये देख रहे कितना बढ़िया, ऐसे लग रहा है जैसे नया लगा दिया। लेकिन उसने ना, इसमें मुश्किल क्या होता है पता है आप लोगों को, मैं अच्छे से बताता हूँ। ये जो डिफरेंस बैरिंग वरिंग टूट जाता है ना, तो फिर यहाँ पे उसका जो कचड़ा होता है वो यहाँ पे ना सोफा वगैरह होता है, तो यहाँ पे वो मतलब रगड़ने की वजह से ना यहाँ पे ख़राब हो जाता है। तो जब ये ख़राब हो जाता है ना, तो ये खा जाता है, और जब खा जाता है ना, तो यहाँ से आयल लीकेज शुरू हो जाता है। या तो बैरिंग टूटेगा तब भी ख़राब हो जाएगा, सोफा कचड़ा आ जाएगा तो भी ख़राब हो जाएगा, तो आयल लीकेज हो जाएगा, तो ये सूखा हो जाएगा तो भी ख़राब हो जाएगा। इसी दो रीज़न की वजह से ये ज़्यादातर ख़राब होता है। बाकी आप लोग देख सकते हैं ये बहुत है, और ये सब अलग अलग कंपनी का इसमें फ़र्क है भाई। आप लोग को मैं दिखाता हूँ, ये देखिए छोटा बड़ा ना, ये देखिए ये है क्या, ये देखिए ये कितना छोटा है, ये देखिए इधर बराबर रखा ना, इधर देखे कितना छोटा है ये। तो ये सब भी ध्यान रखना पड़ता है, ये छोटा बड़ा भी होता है, ये डिफरेंस का भी फ़र्क होता है। ये कुरेप का होता है, ये कुरेप का होता है, ये ज्योमेट्री का होता है, इसीलिए इसमें डिफरेंस भी, ये भी सब ध्यान, इसी तरह इसमें भी फ़र्क होता है भाई। तो ये सब भी ध्यान रखना था। तो ये ना कट जाता ना, तो इसी पर ये लोग क्या करते हैं ना, वेल्डिंग मार के फिर ये मकरदे, यानी इधर पता नहीं अपने इधर क्या बोलते हैं इसको, इधर मकरदा बोलते हैं अपने इधर, वो मेरे को याद था लेकिन ध्यान नहीं आता है ना, यहाँ पे आके ना भूल जाता है आदमी। तो मकरदे पर ना ये लोग वेल्डिंग मार के फिर इसको खूब बढ़िया मीजान बनाता है, सफाई वफाई करता है। तो अभी ये सब बना दिया है, इसमें भी यही प्रॉब्लम होता है सेम। यहाँ पे ना ये यहाँ पे सील लगता है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखें ये बनाया है, मैं आप लोग को थोड़ा इसे करके फिर दिखाता हूँ। ये नहीं, ये बनाया है यहाँ पे, इसको थोड़ा रख देता हूँ, ये यहाँ पे कट गया था यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे वेल्डिंग मार के फिर उसने मशीन से इसने पूरा बनाया है। और ये काम ना मेरा कपिल बोल रहा था कि खुद वेल्डिंग मार के बना लो, मैं बोला यार ये पागल हो रहा है, ये वेल्डिंग तो मार देंगे लेकिन ये मिजान इसका बराबर नहीं बनेगा ना, तो वो सील बैठाएंगे ना तो वो खा जाएगा उसको, तो फायदा नहीं है बना के, इसको जरूर मशीन से बनवाना पड़ेगा। तो मशीन से बनता है ना तो प्लेन बनता है, तभी ये पूरे तरीके से बन के आ चुका है। और मेरे को इसको बनाना है, इसका और सामान ये रूम है ना दिख रहा है, इसके अंदर पड़ा है, इसके अंदर सारा सामान पड़ा है, लेकिन अभी ताला लगा हुआ है तो इसीलिए इसको यहाँ पे बाहर उतार दिया। अभी बनाने के लिए भेजा तो अभी क्या बोल रहा है, इसका बनाने के लिए ना 450 रियाल आदमी लिया है ये सब बनाने के लिए। और फौजी बोल रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है, सामान भी खरीद के दिया फिर ये भी बनवा रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, इसे अच्छा तो नया खरीद लेता। तो हमने बोला नया खरीद लो, हमें क्या मेहनत करने के लिए टेंशन हो रहा है, मतलब यार भाई वो काम हम कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना है यार, वो काम कराएगा करेंगे, नहीं कराएगा नहीं कराएंगे, उसमें कौन सा बड़ा बात है। हालांकि सामान खरीद के लाया था 1700-1800 रियाल का, उसका भी वीडियो मैंने बना के डाला था, आप लोग देख सकते हैं पीछे जाके। तो ये बात है भाई, अभी इसका बनाने के लिए इसको बनाने के लिए सिर्फ 450 रियाल लगा है, तो अभी आप सोच सकते हैं। और पूरा डिफरेंस अगर मार्केट में भेजता ना बनाने के लिए, तो वो लोग सिर्फ 30 रियाल लेते हैं, वो लोग वेल्डिंग मार के भी बना देते हैं, और जो हालांकि ओरिजिनल पार्ट नहीं डालते हैं वो लोग, जैसे बैरिंग हो गया या सोफा हो गया, ओरिजिनल नहीं डालते। अभी जितना काम हम डालेंगे ना सब ओरिजिनल डालेगा, क्योंकि सऊदी का माल है भाई, वो अच्छे से अच्छा चीज़ खरीद के लाएगा, हम अच्छी चीज़ बताएंगे अच्छा खरीद के लाए, तो इसीलिए हम अच्छी चीज़ लगाते हैं ताकि ज़्यादा दिन चले। तो बना के देखेंगे बनता है कि नहीं बनता है, हालांकि मैं पहले बना चुका हूँ,
फिर भी ये बना के देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे, जब बनेगा तो मैं आपको दिखाएंगे। बस ये दिखाना था भाई कि ये सब भी काम होता है मजरों में, अगर किसी को आता है ना तो करते रहते हैं, हालांकि ये काला काम है तो कोई पसंद नहीं करता है। बाकी जैसा जैसा काम होगा आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी एक बना कर रेडी कर दिया मैंने, सुबह से दो बनाया था मैं, एक और बनाया था तो वो लोग लेके चले गए, और एक अभी बनाया। अभी देख सकते हैं भाई पूरा, अभी माजून उजून वगैरह देखें, पूरा ताज़ा दिख रहा है। और ये तीसरा मैं बनाने जा रहा हूँ, देखें तीसरा ये मैं बनाने जा रहा हूँ। देखो सब खुला पड़ा है सामान वामान, ये देखो पूरा खुला पड़ा है। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से बनता है और क्या क्या का मतलब ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।